बहुत मेहनत से हम खेती किसानी करते हैं और इसमें ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपनी फसलों का बचाव करना चाहिए उनमें लगने वाले रोग और कीटों से। किसान भाइयों बहनों, आगे आने वाली जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्डो पेस्ट बनाने की विधि के बारे में। जो हमारे किसान बागवानी फसलों की खेती करते हैं, अगर वो पेड़ों के आसपास बोर्डो पेस्ट का छिड़काव करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया और फफूंद जनित रोग जो है वो लगने से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो क्या है बोर्डो पेस्ट बनाने की विधि, आइए कार्यक्रम के पहले भाग में आपको इसी के बारे में जानकारी दें। बोर्डो मिक्सचर आज भी एक ऐसा केमिकल है जो हम अपने खेतों में जिस दिन इस्तेमाल करना है उसी दिन बनाते हैं, और ये बहुत सारे कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु उनका रोकता है, उनकी बीमारियां जो होती हैं उनसे रोकता है उनको, और कुछ कीटक जो है वो आ नहीं पाते, मारता तो नहीं है पर जब हम इसका स्प्रे लेते हैं तो वो उनको आने नहीं देता। इसीलिए बोर्डो मिक्सचर दो तरीके से, दो डोज पे इस्तेमाल होता है, 1% जब हमारा रेस्ट पीरियड में होता है और 0.5% आधा परसेंट जब हम बाहर पकड़ते हैं। तो 1% बोर्डो मिक्सचर कैसे बनाया जाता है उसका हम बताएंगे। जैसे कि 100 लीटर पानी है तो उसमें आपका 1 किलो कॉपर सल्फेट पड़ता है, पर कई लोग क्या करते हैं 1% बनाने के लिए चूना जो है वो भी 1 किलो डालते हैं, जो कि गलत है। तो चूना 1 किलो डालने की जगह आपको लगभग 275 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक लग सकता है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पानी का पीएच कैसा है, आपका जो ये चूना है वो प्योर है कि उसमें कुछ कमी है, तो उसके ऊपर आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको 275 ग्राम लगेगा, 300 लगेगा या उससे ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, रात को जिस दिन आपको स्प्रे करना है उससे एक दिन पहले रात को जैसे 15 लीटर पानी में आपने 1 किलो कॉपर सल्फेट भिगो दिया, अलग से 15 लीटर पानी लीजिए, उसमें आप लगभग 300 ग्राम या 350 ग्राम चूना भिगो दीजिए। दोनों को अलग अलग आपने भिगो दिया, फिर अगले दिन सुबह आप देख उसको मिक्स करिए, मिलाने के बाद उसको छान लीजिए, और छानने के बाद आप उसको अलग से एक ड्रम लीजिए या फिर ट्रैक्टर में जो टैंकर है उसी में डायरेक्टली आप मिक्स कर सकते हैं। तो जो बाकी पानी है, जैसे कि आपने 15-15 लीटर पानी लिया है दोनों के लिए, तो 30 लीटर पानी ये हो गया, बाकी का 70 लीटर पानी आप तीसरे ड्रम में डालिए या फिर टैंकर में डालिए, और उसमें फिर दोनों को एक साथ डालना है और अच्छी तरह से लकड़ी के डंडे से, या उसमें अगर मिक्स करने के लिए मोटर लगी है तो उससे आपको मिक्स करना है। जब वो मिलाएंगे आप उसको अच्छी तरह से, आप लगभग 20-25 मिनट मिलाइए, मिलाने के बाद आप उसमें पीएच चेक करिए, पीएच इसका 7 होना चाहिए। अगर इसका पीएच 7 नहीं है तो आपका जैसे कि 7 के नीचे है इसका मतलब उसमें कॉपर ज़्यादा है और वो आपके पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब आप टैंकर में डालते हैं तो लगभग आधा आधा लीटर सॉल्यूशन आप जो है, आधा लीटर कॉपर सल्फेट का और आधा लीटर चूना का सॉल्यूशन अलग से बचा लीजिए पीएच ठीक करने के लिए। तो जब आपने मिक्स करने के बाद पीएच चेक किया, पीएच चेक किससे करेंगे, कई लोग इस्तेमाल करते हैं पीएच पेपर का और कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं पीएच मीटर का। तो अगर आप पीएच मीटर का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि पीएच पेपर में एकदम सही पीएच नहीं आता है, या उसका बहुत हाई क्वालिटी का पीएच पेपर लेंगे जो कि महंगा होता है, उतने में आपका पीएच मीटर जो है वो आप खरीद सकते हैं। तो पीएच मीटर आप ले लीजिए, लगभग 800 रुपये से लेके 1500 रुपये में आ जाता है वो, और आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो आप पीएच मीटर से पीएच चेक करिए, पीएच अगर 7 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब उसमें चूना ज़्यादा है, उसमें फिर आपको जो आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बचाया है उसको आपने धीरे धीरे डाल के मिलाना है और पीएच चेक करना है। जब पीएच 7 आ गया तो उसको रोक देना है। फिर अगर मान लीजिए आपका पीएच नीचे चला गया 7 से, तो इसका मतलब उसमें कॉपर ज़्यादा है, उस समय आपको चूने का सॉल्यूशन मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा करके और हिलाते रहना है, और जब पीएच 7 हो जाएगा
तो आपको उसको रोकना है। तो जब ये आपका मिक्सर बन गया, इसका इस्तेमाल आपको उसी दिन करना है। बोर्डो मिक्सर का ये है कि आपने अगर अगले दिन रख दिया तो उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो असर है वो कम हो जाता है। इसीलिए बोर्डो मिक्सर को हम कहते हैं आप खुद बनाइए और खुद उसका उसी दिन स्प्रे करिए। आजकल मार्केट में कई बारी लिक्विड वाले बोर्डो मिक्सर मिल रहे हैं, उनका इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। आप पाउडर लीजिए और खुद बनाइए। पाउडर में भी आजकल आ रहा है 1 किलो का पैकिंग कॉपर सल्फेट और उसके साथ लगभग 400 ग्राम का पैकिंग आपका चूना का मिलता है, तो वो पैकेट आप लीजिए और खुद बनाइए और उसको उसी दिन स्प्रे कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, आपने बना के रख दिया पर अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपके ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, स्प्रेयर में प्रॉब्लम हो गई या बारिश आ गई, तो आप कर नहीं सकते। अब उसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है अगले दिन, उसके लिए आप 50 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें गुड़ डाल दीजिए। अगर आप गुड़ डाल देते हैं तो एक दिन के लिए आप उसको रख के अगले दिन स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि इसका भी असर जो पहले दिन स्प्रे करेंगे उससे कम होगा, पर फिर भी वो काम करेगा। तो इस प्रकार आप अपना बोर्डो मिक्सर बना के अपने कम खर्चे में अपने कोई भी क्रॉप को, आपका चाहे अनार हो, हम लोग कहते हैं कि महीने में एक बारी कॉपर का स्प्रे हो, उसमें से ये बोर्डो मिक्सर का जो है 1% का स्प्रे रेस्ट पीरियड में और 0.5 मतलब आधा परसेंट का स्प्रे जब हम बाहर पकड़ते हैं, तब हम हर महीने में कम से कम एक स्प्रे इसका ले सकते हैं। दूसरा, हम बोर्डो पेस्ट 10% बनाते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप प्रूनिंग करते हैं, जो कट एजेस होते हैं मतलब कि जहाँ से कट किया गया है वहाँ से कोई भी कवक, कोई भी बैक्टीरिया अंदर जा के नुकसान पहुँचा सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ने किसी बीमार पौधे का प्रूनिंग किया है, उसके बाद एक स्वस्थ पौधे का प्रूनिंग करने जा रहे हैं, तो वो बीमारी वाले पौधे से वो अच्छे वाले पौधे में चला जाता है, तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लिए हम कहते हैं कि जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो बोर्डो पेस्ट ज़रूर लगाइए। तो जब आप प्रूनिंग करते हैं साथ साथ बोर्डो पेस्ट लगाना है, या फिर जो रेस्ट पीरियड होता है और मिट्टी में शॉर्ट होल बोरर, स्टेम बोरर, ये जो कीड़े होते हैं तने के ऊपर छेद कर देते हैं, उसको रोकने के लिए भी बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो 10% बोर्डो पेस्ट बनाना है। 10% बोर्डो पेस्ट के लिए आपको क्या करना है, 10 लीटर पानी लेना है, 1 किलो कॉपर सल्फेट और 1 किलो चूना। इसमें आपको 300 ग्राम नहीं लेना, इसमें आपको दोनों चीज़ें 1-1 किलो लेना है और 5-5 लीटर पानी में अलग अलग रात को भिगो देना है। 5 लीटर पानी में कॉपर सल्फेट भिगोइए और 1 किलो कॉपर सल्फेट 5 लीटर पानी में और 1 किलो चूना 5 लीटर पानी में रात को भिगो दीजिए और उसको अगले दिन दोनों को एक साथ डालिए और मिक्स कर दीजिए। थोड़ी देर आप मिक्स करेंगे तो वो एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। इसमें अगर आप रात को भिगोएंगे नहीं, सुबह भिगोएंगे और पेस्ट बनाएंगे उसी समय, तो पेस्ट पतला बनता है। इसीलिए इसको रात को भिगोइए और सुबह उसको पेस्ट बनाइए। और जब आप ये बोर्डो पेस्ट लगाते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 ml प्रति लीटर मतलब 10 लीटर में 20 ml क्लोरोपाइरीफॉस का मिक्स कर सकते हैं, ताकि ये जो आपके जो स्टेम बोरर और शॉर्ट होल बोरर कीड़े हैं उनसे आपका नुकसान नहीं होता है। और उसका इस्तेमाल आप जब जब प्रूनिंग करते हैं तब करिए, और साल में 2 बारी स्टेम पेस्टिंग 1.5 से 2 फीट तक आप इसको पेस्टिंग करिए तने को, मिट्टी के लेवल से लेके लगभग 1.5 या 2 फुट तक भी आप उसको कर सकते हैं। इससे स्टेम बोरर और शॉर्ट होल बोरर जो होता है उसका नुकसान नहीं होता। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने बोर्डो पेस्ट बनाने की विधि के बारे में जाना।